All right, guys, welcome to the top 5 of this week. नेताओं का दल्ला बनके रहे. Trust me, there are so many things, so many things, whether you are a Modi fan or not. Digital Personal Data Protection Bill. कौन सा गोदी चैनल्स पर बात कर रहा था? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कोई बात ही नहीं कर रहा. एक और, एंड हु विल टॉक अबाउट इन्फ्लेशन? कैन यू सी दिस क्यू? या इट इज फॉर टोमेटो बाइंग, नॉट फॉर नोटबंदी. मैं जहां देख सकता हूं. तो इस सीरीज में हम आपके लिए वो चीजें लेकर आते हैं जो गोदी मीडिया बिल्कुल नहीं बताता. इफ यू लाइक इन दिस सीरीज, प्लीज प्रेस सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो. तो करना द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड पीपल आर हार्डली टॉकिंग अबाउट इट, एंड देयर आर सम रियली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वी शुड रेज. This is about New Haryana. इतना बड़ा वॉयलेंस हुआ, गोदी मीडिया ने जम के जहर फैलाया है. वेनम चोपड़ा की जबान तो इतनी बाहर आ गई थी, पर सबसे बड़ी बात है कि ये हुआ क्यों, और ऐसा दंगा कभी फ्यूचर में ना हो, हम इसके लिए क्या कर रहे हैं. और जो भी दंगा कर रहा है उसको इतनी सख्त सजा मिलनी चाहिए कि वो कभी फिर ऐसा सोचे भी ना. हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर साहब हैं, और खट्टर साहब ने एक बात कही थी, वो क्या कहते हैं? मददे मर्दा. No, on a serious note, they said that it was a pre-planned thing. तो ये सारा प्लानिंग के साथ हुआ है. ये देखिए, ये बहुत बड़ा गेम प्लान है और हम इसकी पूरी गहराई तक जा रहे हैं. If it is a pre-planned thing, then what the government was doing? That should be the question of Godi media. But no one is asking that. ये बहुत दुख की बात है, हिंसा हुई देश में. पर ये अगर ये pre-planned था तो ये कैसे pre-planned हो गया? हमने कुछ क्यों नहीं किया? सवाल तो बनता है. सारी चीजें बात करेंगे और फिर करेंगे. मैं कभी बिना मतलब ऐसे कभी किसी पे वो नहीं करता. बट वी विल टॉक अबाउट दिस. बट ऑन गोदी मीडिया चैनल्स यू ऑलवेज हियर कि विपक्ष कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा है, विपक्ष नारे लगा रहा है, विपक्ष ये है, विपक्ष वो है, विपक्ष की ऐसी की तैसी कर देते हैं गोदी मीडिया वाले. विपक्ष ने ना तो सरकार की बात सुनी और ना ही सदन के सभापति. संसद के दोनों सदनों में हंगामा होता रहा. लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बिल आ रहा है जो मुझसे जुड़ा हुआ है, आपसे जुड़ा हुआ है, पूरे देश के हर एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ है. डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल. The Godi media channel should explain this and tell people how important it is. You know, we need experts for that. We don't have much resources, but we got this clip. What is this? अब ये कानून कह रहा है कि सूचना के अधिकार के धारा 8 को संशोधित कर दिया जाएगा, जिससे कि लोगों की तमाम निजी सूचना जो है सूचना के अधिकार के कानून के दायरे से बाहर निकाल दी जाए. हाउ इट विल इफेक्ट अस? राशन, पेंशन, मनरेगा, इन सब चीजों में चोरी तभी होती है, स्कैम्स और करप्शन तभी होते हैं जब लोगों के पास सूचना नहीं होती कि किसको कितना राशन मिल रहा है, मनरेगा में कितनी पगार मिल रही है, किसको ठेके दिए जा रहे हैं. एंड व्हाई दिस इज सो इम्पोर्टेंट? जवाबदेह हम सरकार को तब तक नहीं बना सकते जब तक हमारे पास सूचना नहीं है. यू नो, इन दिस टाइम व्हेन वी आर लिविंग इन, द मीडिया चैनल्स हार्डली टॉकिंग अबाउट एनी इम्पोर्टेंट इश्यूज. दे ऑल आर बायस्ड, यू नो रियली वेल. दलाल. ऐसे में भी अगर उस इंफॉर्मेशन पे थोड़ी सा भी रिस्ट्रिक्शन आता है तो ये बहुत चिंताजनक है. हमें सोचना चाहिए, एक सवाल उठाना चाहिए, मीडिया को भी, लोगों को भी इस पर सोचना चाहिए. एंड या गाइस, इन द बिगनिंग आई शोड यू द बिग क्यू फॉर टोमेटोज. जो मौज करनी है भी कर लो, जो खाना है खा लो, घी पीना है पी लो, आनंद से जी लो. ये 130 रुपए किलो पर भी खरीदने को तैयार है. ऐसी लंबी लाइन हमने नोटबंदी के टाइम भी देखी थी. बस टमाटर की लाइन में कोई ऐसा कहते हुए नहीं निकला. अरे मच बट या टोमेटो इज अ डिफरेंट थिंग. बट व्हाट अबाउट इन्फ्लेशन? इफ यू आस्क गुल्लू अबाउट इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट, ही विल से दैट ये ना जो है ये फैशन बन गया है. वी वांट टू टॉक अबाउट महंगाई. बट यू बिलीव इट और नॉट, इन्फ्लेशन इज द थिंग. गुजारा करने के लिए तो कुछ भी मिला, सब यानी सारी चीजें ही कुल मिला के महंगी है. जो भी चीज लेने जाओ वही महंगी है. बहुत सारे महंगाई के सपोर्टर आ जाएंगे. आई मीन मीट दिस महंगाई का सपोर्टर. पता ये कह रहे 500 रुपए किलो हो जाए आटा तब भी खा लेंगे. और इन सपोर्टर्स की वजह से बाकी लोगों की बहुत बैंड बचती है, उनको पैसे देने पड़ते हैं. और यहाँ पे दर्द झलका और इस बंदे को पकड़ लिया गया. इनकी शादी हुई है? पूछिए हुई कि नहीं हुई है? शादी हुई आपकी? आप बताइए ना, आपकी हुई कि नहीं हुई है? तो मेरी भी नहीं हुई है. एंड नाउ हियर इज द क्लाइमेक्स. कभी बच्चे वाले हो जाएंगे ना, जब शिक्षा की बात करेंगे ना, अस्पतालों में जाएंगे, उनकी दवाई लेने 500 रुपए की दवाई मिलेगी.
पिछले साल और इस साल में अगर आप कंपेयर करोगे तो कभी कभार कोई एक विपक्ष का नेता ट्वीट कर देता है, उसी को हम दिखा देते हैं, वरना न्यूज चैनल पर तो आप भूल ही जाओ, क्योंकि 24 तो मोदी का है। हियर यू कैन सी कि ये छह चीजें कितनी महंगी हुई है 2022 में और 2023 में। मतलब टमाटर, अरहर दाल, दूध, चावल, चीनी, आटा सब बहुत महंगा हुआ है। मतलब चित्रा जी सुन रही हैं आप, इतनी महंगाई बढ़ी है सिर्फ एक साल में। बहुत सारे छोटे छोटे इश्यूज है, ये चीते जिनके लिए रिपोर्टर्स चीते बन गए थे, देयर लाइफ इज इन डेंजर बट यू हार्डली फाइंड एनी न्यूज़ चैनल टॉकिंग अबाउट इट। अनदर चीता हैज डाइड एट द कुनो नेशनल पार्क, टेकिंग द टोटल नंबर ऑफ डेथ्स टू 9 नाउ। जबकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, The top court then directed the center to take some positive steps regarding the death of these cheetahs, suggesting that some cheetahs could be shifted to different sites. One of the sanctuaries suggested by the court was Rajasthan. And now you can see there are only few left. There were a total of 20 that came. 6 of these adult cheetahs have died, 14 are left. And out of the 4 cubs that were born in India, only one remains alive. Also, ED and CBI people are saying that government is doing the misuse and blah blah, so many things. But this is a different thing. Meenakshi Lekhi ji. और ये बात, अरे ED, एक मिनट, शांत रहो, तुम्हारे घर ना ED आ जाए। मतलब ऐसे स्कूल के बच्चे भी नहीं चिढ़ाते एक दूसरे को जैसे हमारे ऑनरेबल पार्लियामेंट मेंबर एक दूसरे को चिढ़ा रहे हैं। Come on, grow up, guys. तुम्हारे घर ना ED आ जाए। And you know guys, there are so many big questions. Media is almost silent on so many issues. स्वस्थ लोकतंत्र में विपक्ष का मजबूत होना बहुत आवश्यक होता है। ये वापस आ रहे हैं लोकसभा में इस बात की सही से रिपोर्टिंग करने के बजाय पूरा गोदी मीडिया ट्रोल कर रहा है। टॉप 5 गोदी में बात करेंगे, बट या ही इज बैक एंड हिज फैंस आर रियली हैप्पी एंड या नाउ ही कैन डिफेंड हिमसेल्फ। This entire thing became meme nowadays. ये बता रही है कि राहुल गांधी सेट मणिपुर ऑन फायर। अमीन ये सुन के तो निर्मला ताई को भी हैरानी हुई थी। She actually turned back and look at her. वैसे एक चीज का और जवाब देना चाहिए कि जो शिंदे गुट के विधायक है संजय शिरसाट, उन्होंने कहा है, उनका ये बयान सामने आया है कि प्रियंका चतुर्वेदी को राज्यसभा सांसद बनाया गया क्योंकि वो सुंदर है और इसीलिए आदित्य ठाकरे ने उनको राज्यसभा में सीट दी। या आई मीन हर पार्टी मेंबर्स वर सेइंग सो मेनी रॉन्ग थिंग्स अबाउट वुमेन। तुम हमें मुख्यमंत्री बनाओ, हम रूढ़े हेमा मालिनी की गाल की तरह चिकनी कर दें। तो हेमा मालिनी को समय तो चलो, वो तो जा अच्छी चिकनी रोड बने। हमें कौन सी हीरोइन चल रही है? ट्रोल्स की भाषा नेताओं को नहीं बोलनी चाहिए, नहीं तो क्या करे, ट्रोल्स जॉब छोड़ दे सच्ची। सो दिस इज ऑल गोइंग ऑन, मीडिया इज नॉट रिपोर्टिंग अस एंड द बिग क्वेश्चन एवरी क्रिकेट फैन इज एक्चुअली आस्किंग, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन इन आवर इंडियन क्रिकेट टीम, द रिचेस्ट बोर्ड इन द वर्ल्ड। हमारे क्रिकेट को किसी चीज की कमी नहीं, ना पैसों की, ना फैंस की, ना जगह की, ना प्लेयर्स की, फिर भी हमारी टीम वेस्टइंडीज से दूसरा टेस्ट मैच भी हार गई। मतलब क्रिकेट की लिटरली ऐसी हालत हो रही है जैसा साहब, कुछ कीजिए, सुनते हैं आप। Yeah, before I go, one more time, we keep on saying this because so many people lost their lives in Manipur. पिछले 24 घंटे में मणिपुर में फिर से हिंसा और हथियारों की लूट की वारदात हुई है। मणिपुर पुलिस के मुताबिक विष्णुपुर इलाके के 2 सिक्योरिटी पोस्ट पर हमला बोला गया है और बड़ी संख्या में हथियार और गोला बारूद लूट लिए गए। इतने सारे लोग मारे जा चुके हैं, इतने सारे लोग रिफ्यूजी कैंप्स में रह रहे हैं एंड दिस इज गोइंग ऑन फॉर पास्ट 3 मंथ्स। इस पर मीडिया को सवाल पूछना चाहिए, बार बार पूछना चाहिए, लेकिन कोई सवाल जवाब नहीं मिलता। आपको मिलेगा टीवी पे तो यही मिलेगा कि सचिन को पता था सीमा बीड़ी क्यों पीती है, चल रहा यही चल रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। इन सब के पीछे हमारी ये कोशिश होती है कि मीडिया आम आदमी की बात को सुने, अगर वो सुनेगा तो देश आगे बढ़ेगा, देश तरक्की करेगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।